हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुशांत सुशांस ब्लॉग आज के इस वीडियो में मैं आपको ले चलूंगा वन वे यहाँ पर कॉलम का लेआउट होने वाला है एक नया प्रोजेक्ट है तो चलिए हम चल के देखते हैं कि किस प्रकार से कॉलम का लेआउट होता है तो वहीं पे मैं आपको जा करके टोटल दिखाता हूँ तो और एक बात बता दूँ कि अगर आप रांची से हैं या फिर आस के क्षेत्र से हैं और चाहते है अपने घर का डिज़ाइन करवाना तो आप हमसे कॉ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरा ई मेल और नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चलिए चल के देखते हैं साइड पर तो मैं आ गया हूँ साइड पे और यहाँ आप देखेंगे कि चारों साइड में जो आपका धागा है मतलब कि बॉर्डर जो है आपका वो गुनिया कर लिया गया है तो उसको हम लोगों ने चेक कर लिया है कि गुनिया है या नहीं क्योंकि हल्का सा ज़मीन तिरछा रहता है फ्रेंड अगर आपका भी ज़मीन इस तरह से तिरछा है तो सबसे पहले आप उसको गुनिया करवाएं कि जमीन मेरा रेक्टेंगल कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है ठीक है या फिर नक्शा जो बना रहे हैं वो नक्शा के हिसाब से काम करें जो आर्किटेक्ट आपका ऑलरेडी त्रिछा जमीन में ड्राइंग बनाया है तो उस जो घर आपका रेक्टेंगल रहेगा एग्जैक्ट परफेक्ट तो उसको किस तरह से वहाँ पे पुट करना डालना है ज़मीन ज़मीन पर अपने आपके घर को तो वो चीज़ आप आर्किटेक्ट या इंजीनियर से एक बार डिस्कशन कर लें ठीक है तो चलिए हम आते हैं यहाँ पे साइड पे तो यहाँ आप देखिए कि कॉलम का लेआउट है इस तरह से कुछ बना हुआ ड्राइंग है सारा इसमें कॉलम का क्या साइज रहेगा डिटेल क्या है वो सारा कुछ इसमें दिया हुआ है बस उसी हिसाब से आपको काम करते जाना है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने ग्रीड लाइन से ग्रीड लाइन डिस्टेंस मेजर करके हम लोगों ने धागा बांध दिया है कि कहाँ से कहाँ तक मेरा कॉलम रहेगा ठीक है कहाँ पे कॉलम रहेगा और कहाँ पे ग्रिड लाइन रहेगा तो सारा कुछ जब ग्रिड लाइन हम धागा बांध लेंगे तो उसके बाद हम एक्चुअल कहाँ पे कॉलम रहेगा वहाँ वो हमको जो पॉइंट है वो हमको पता चल जाएगा तो वही हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि धागा से धागा हम लोग आ, क्या डिस्टेंस पे ग्रिड लाइन है अगला ग्रिड लाइन उसके लिए हम लोगों ने धागा छोटा छोटा तोड़ करके बांध लिया है ठीक है तो यहाँ आप देख रहे हैं कि धागा टेप से मेज़र कर ले रहे हैं कि कितना चार फीट पे है कि पाँच फीट पे है तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं ड्राइंग के हिसाब से ठीक है इसी तरह से आपको आगे भी कंटिन्यू करते जाना है ठीक है? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक साइड का लगभग धागा जो सारा ग्रिड लाइन है लगभग हो चुका है ठीक है तो हम लोग यहाँ पे देखिए कि जो मार्किंग किया हुआ है एक नंबर दो नंबर तीन नंबर वो ड्राइंग में एक्चुअल में वो ड्राइंग में भी लिखा हुआ है तो उसका उसके हिसाब से आपको जो कील है उसको दीवार पे ठोक लेना अगर दीवार है अगर दीवार नहीं है आपके पास तो आपको जो रॉड होता है तीन फीट से साढ़े तीन फीट दस एम का वो आपको कटिंग करवा लेना है फेब्रिकेटर से और वो कटिंग कराने के बाद उसको आप ज़मीन पर खाली जमीन पर जहाँ पर आउटर आएगा वहाँ पर आपको ग्रिल लाइन टू ग्रिल लाइन मार्किंग करवाना है ठीक है तो इस तरह से हमारा ग्रिड लाइन जो है वो पूरा फाइनल हो जाएगा ओके okay, तो उसके बाद जो भी कॉलम रहेगा उसको आप इजली आप जहाँ भी है ड्राइंग के हिसाब से पॉइंट करवा सकते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि हम लोगों ने जो टेप्स है वो मेजर करके कहाँ पे आ रहा है दूसरे पॉइंट दूसरे तरफ भी उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे एक साइड का धागा लगभग फाइनल करवा दिया है ठीक है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दस बाई पंद्रह का और दस बाई दस का दो टाइप का कॉलम है यहाँ पे हम लोगों ने दिया है और इसमें जो लोहा है किसी में चार सोलह दो बारह और किसी में छः बारह ओके तो लगभग यहाँ पे चार दस बाई पंद्रह का ही कॉलम है ओके okay. तो इस बात का आपको ध्यान रखना कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर से आप डिस्कशन कर लें सिविल इंजीनियर से कि कॉलम का प्लेसमेंट किस तरह से होगा क्या बिल्डिंग हमारा कितने साल के लिए जो भी इसका एज है वो क्या रहेगा ठीक है ये सारा कुछ डिस्कसन कर लें कि क्या हमको कॉन्क्रीट क्या जो रेशियो रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर रेशियो आपने गलत डाल दिया तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे आपका जो वीक हो जाएगा वो ओके तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि रेशियो परफेक्ट रखना है मिस्त्री वगैरह जो रेशियो डालते हैं ठेकेदार जो रेशियो डालता है वो रेशियो आपका जो है घर है वो अगर उसको थोड़ा कम नॉलेज है तो थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है आपका धीरे धीरे आप देखिएगा कि छज्जा जो है वो टूटने लगता है बारिश के कारण से सीपेज हुआ तो टूटने लगता है तो इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि आप जो रेशियो डालते हैं वो रेशियो सही नहीं रहता है सीमेंट मान लीजिए ज़्यादा डाल दिए तो उसमें क्रैक आता है ठीक है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है सीमेंट भी या सैंड भी सॉरी सैंड भी आपको ज्यादा नहीं डालना है एक्चुअल जो रेशियो रहता है वन इज टू थ्री इज टू फोर ये रेशियो ले सकते हैं या वन डेर तीन ये रेशियो आप ले सकते हैं तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो सेफ रहेगा तो यहाँ आप देखिए कि हम लोगों ने सारा कुछ जो पॉइंट है यहाँ पे मार्किंग कर दिया है कि कहाँ कहाँ पे हमारा जो कॉलम रहेगा उसके हिसाब से सारा जो ग्रीन लाइन है वो दोनों तरफ से हमारा मार्किंग हो चुका है और जहाँ जहाँ पे भी पॉइंट आ रहा है जहाँ जहाँ पे भी कॉलम का ड्राॅइंग में देख लेना है कि कहाँ पर ड्राॅइंग में कॉलम आ रहा है उस जगह पर करके ये फाउंडेशन का मार्किंग करवा लेना है फाउंडेशन का मार्किंग आपको हमेशा साढ़े से कम नहीं रखना है ठीक है जी प्लस टू के लिए एंड अगर आप जी प्लस थ्री बना रहे हैं या फिर उससे ऊपर का प्लान है तो फिर स्ट्रक्चरल आप कंसल्ट कर सकते हैं कि क्या डिज़ाइन के सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट से कि क्या इसमें रहना चाहिए फाउंडेशन का तो पाँच बाई पाँच या पाँच बाई छः इस टाइप से या छः बाई छः तो डिज़ाइन के हिसाब से डिपेंड करता है ठीक है तो ये सब ये इस तरह का ध्यान रखना है तो यहाँ आप देखेंगे कि सारा जो फाउंडेशन है वो मार्किंग हो चुका है तो और दीवाल पे जो है वो हम लोगों ने पेंट कर दिया है ग्रेड लाइन का मार्किंग कर दिया है कि उससे हम लोग बाद में भी जब दोबारा से लेआउट करें जब गड्ढा हो जाएगा और कॉलम जब हम लोग तो दोबारा जब वो मार्किंग होगा धागा टाना जाएगा उसको तो किसी तरह का कोई एरर ना आए ठीक है इसलिए हम लोगों ने दीवार पे भी पेंट से लिख दिया है वन टू थ्री फोर तरह से ठीक है तो यहाँ पे लगभग सारा जो है फाउंडेशन है वो मार्किंग हो चुका है तो यहाँ पे जो फाउंडेशन है वो साढ़े चार बाई साढ़े चार का बनेगा गड्ढा जो होगा पाँच बाई पाँच का गड्ढा करना है और साढ़े चार का हम लोग फाउंडेशन यहाँ पे रेडी करेंगे अगर आप इस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हैं या फिर इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले में जा करके आप वीडियो इससे रिलेटेड आप वीडियो देख सकते हैं तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू हैव ए नाइस डे